Hi everyone, I am Rana Bilal from websitesmasters.com. Today I will let you know that how you can add audio files into your Elementor page builder with the help of SoundCloud. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है audio files जो है वो आप add कर सकते हैं SoundCloud की help से, SoundCloud की website से. तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है साउंड क्लाउड. साउंड क्लाउड बेसिकली एक वेबसाइट है जो MP3 जो है ऑडियो फाइल्स जो है वो प्रोवाइड करती है. उसमें सॉन्ग्स हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है. तो बहुत डाटा है उसके अंदर. तो आप सिंपली जो है वहां पे होस्ट हुई हुई है, वहां से जो है वो उठाकर, जैसे हमने यूट्यूब की वीडियो जो है वो एम्बेड करके लगाई, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले की, उसी तरह से आप साउंड क्लाउड के भी जो MP3 जो ऑडियो फाइल्स होंगे या सॉन्ग्स होंगे वो भी आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं. तो सिंपल सा है, साउंड क्लाउड के ऑप्शन है या एलिमेंट्स में हमारे विजिट्स में हम इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो एक है, ठीक है. तो हम जो है क्या करते हैं, साउंड क्लाउड की वेबसाइट जो है soundcloud.com, और मैंने यहाँ पे सर्च किया नुसरत अली खान, ठीक है. तो ये जो है सारे उसके जो कुछ सॉन्ग्स वगैरह थे वो सारे आ गए. तो अब इसे मैंने शो करवाना है अपनी वेबसाइट पे. तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शेयर की, तो शेयर पे आपने क्लिक करना है, ठीक है. और ये नीचे URL आ गया, इसको आपने करना है कॉपी, ठीक है. कॉपी करके आपने जो है यहाँ पे लिंक की जगह पे पेस्ट कर देना है, ठीक है जी. तो हम देखेंगे कि वही जो है, ठीक है, वही जो सॉन्ग है वो जो है अब हमारी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है. और ये यहाँ से रन भी हो जाएगा. उसके बाद जो है विजुअल प्लेयर, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन है, ठीक है. वो विजुअल प्लेयर अगर आप शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते, तो अब ये विजुअल प्लेयर के तौर पर शो हो रहा है, ठीक है. तो इसे आपने शो करवाना है या नहीं करवाना वो आपकी मर्जी है, या इसे स्मॉल में ही रहने देना है तो इसे नो कर दें. ऑटो प्ले की ऑप्शन है नो, अगर इसे यस कर देंगे तो जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो रन होना शुरू हो जाएगा. बाय का बटन कुछ होंगे जो बाय कर सकते हैं आप, कुछ ऑडियो फाइल्स होंगी, कॉपीराइट का इशू होगा तो वो बाय की ऑप्शन आएगी, ठीक है, वो हाइड करना चाहते हैं या नहीं. उसके बाद लाइक, ठीक है, फॉलो की ऑप्शन आती है, वो जो है अगर वो आप फॉलो करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, उसकी ऑप्शन लोगों को दिखाना चाहते हैं या नहीं, ठीक है. सपोज मैं इसे मिनिमाइज भी कर देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड करें इसे. तो ये फॉलो का बटन भी है, ठीक है, लाइक का बटन है, ठीक है, यहाँ से उसे लाइक कर सकें, फॉलो कर सकें. उसके बाद डाउनलोड का बटन है, ठीक है. यहाँ पे कुछ फाइल्स के साथ आपको नजर आएगा, कुछ के साथ नहीं होगा, ठीक है. डाउनलोड का बटन तो ऑप्शनल होता है, वो कुछ फाइल्स के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता, कुछ डाउनलोडेबल नहीं होती, तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. तो आर्ट वर्क है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये पिक्चर नज़र आ रही है, शो होनी चाहिए या नहीं शो होनी चाहिए. अगर हम इसे हाइड कर देंगे तो ये नहीं नज़र आएगी ये पिक्चर, ठीक है. अब आपको पिक्चर नहीं नज़र आ रही, तो आप उसे इनेबल भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं. उसके बाद शेयर बटन है, ठीक है, यहाँ पे शेयर बटन है, आप इसे शेयर भी करवा सकते हैं, लोग इसे विजिटर्स जो है वो शेयर करवा सकें या ना करवा सकें, ठीक है, वो ऑप्शन भी है. उसके बाद कमेंट्स की ऑप्शन है, ये नीचे आपको नजर आ रहे हैं, ये कमेंट्स हैं, ठीक है, जो लोगों ने कमेंट्स किए हैं, गुड जी, ग्रेट, ठीक है. तो ये हम शो करवाना चाहते हैं नीचे या नहीं करवाना चाहते, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ से जो है वो हाइड या शो कर सकते हैं. तो हम इसे हाइड कर देते हैं, तो कमेंट्स जो है अब वो नहीं नज़र आ रहे, ठीक है, जस्ट आपको ऑडियो फाइल ही नज़र आ रही है. उसके बाद प्ले काउंट्स, ठीक है, ये प्ले काउंट्स आ रहा है, कितने लोगों ने देख लिया इसे, तो 796K जो है वो प्लेज हो चुके हैं. और उसके बाद यूज़र नेम जो है वो नज़र आए या ना आए, ठीक है. और जो है उसके बाद आप कंट्रोल कलर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें सपोज जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये इनको जो है इनका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं. तो मिसाल के तौर पर मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है, तो आप जो है इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं. तो बहुत ही सिंपल सा है एक ऑडियो फाइल को लगाना.
ठीक है, और आप इसे प्ले भी कर सकते हैं और प्ले करके देख भी सकते हैं, ये चल रही है, रन हो रही है, ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, तो और उसके अलावा एडवांस सेटिंग्स हैं इसकी, मार्जिन्स वगैरह, पैडिंग वगैरह, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही इजी सा है। अगर आपने जब भी जो है कोई ऑडियो फाइल जो है ठीक है लगानी है, तो साउंड क्लाउड पे बहुत सारी ऑप्शंस पड़ी हुई हैं, तो आप वहां से जो है वो कॉपी करके उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और एज पर योर रिक्वायरमेंट जो है क्या चीज़ हाइड करनी है, शो करवानी है, वो भी कर सकते हैं। होप सो आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आपको फिर भी कोई इश्यू हो तो काइंडली हमारी सपोर्ट से लाजमी हेल्प लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।